गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में मैडम ने चैप्टर 4.2 के ग्राफ वाले या आलेख वाले क्वेश्चन आलेख विधि से ग्राफ बनाना या ग्राफीय विधि के द्वारा क्वेश्चनों को हल ज्ञात किया था। आज अपन उसी टॉपिक में दो चरों वाले रैखिक समीकरण में एक्सरसाइज 4 की विविध प्रश्नमाला एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया आपका, के किस मान के लिए समीकरण युग्म एक्स प्लस वाई माइनस 4 = 0 और दूसरा समीकरण दिया बेटा 2x प्लस के वाई माइनस 3 = 0 का कोई हल नहीं है, का कोई हल नहीं है। अब यहां पर मैंने कोई हल नहीं है, अनंत हल है या फिर अद्वितीय हल के लिए तीन कंडीशन बताई थी आपको। वो कंडीशन क्या थी आपकी, जैसे आपके पास पहला था दो चरों वाला समीकरण a1x प्लस ए b1y प्लस ए c1 = 0। दूसरा क्या था, a2x प्लस ए b2y प्लस ए c2 = 0। अब यहाँ से आपने तीन शर्त या तीन प्रतिबंध पढ़े थे। पहली शर्त क्या थी आपकी, यदि a1/a2 = नहीं हो किसके b1/b2 के तो क्या होगा, हल अद्वितीय एवं संगत हल, संगत हल, हल अद्वितीय एवं संगत हल। पहली कंडीशन थी a1 a2 के मान इस प्रकार से लिखने थे, बराबर नहीं हो, मतलब a1/a2 = नहीं हो किसके b1/b2 के, ये पहली शर्त थी। और इस शर्त में एक बात और, अद्वितीय संगत हल के साथ मैंने एक बात और बताई, वो क्या होती, रेखाएं दोनों क्या होंगी, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, पहली शर्त थी। सेकेंड अपने पास क्या प्रतिबंध था बेटा, a1/a2 = b1/b2 not equal c1/c2। तो इसमें क्या लिखोगे, अनंत हल एवं असंगत समीकरण निकाय क्या होगा, असंगत और रेखाएं दोनों समांतर होगी, दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होगी। तीसरी कंडीशन थी, यदि a1/a2 = हो b1/b2 = c1/c2, तो इसमें क्या लिखाया था मैंने, यहां पर कोई हल नहीं, इसमें क्या आएगा, सेकंड पार्ट में क्या आएगा, कोई हल नहीं, इसमें क्या अनंत हल नहीं आएगा, इसमें आएगा अनंत हल, यहां पर आएगा कोई हल नहीं एवं असंगत समीकरण निकाय असंगत, कोई हल नहीं आएगा इस कंडीशन में, यह ध्यान रखना है आपको। इसमें आएगा वो अनंत हल एवं संगत, निकाय क्या होगा, संगत है और दोनों रेखाएं संपाती होगी। ये तीन कंडीशन लिखाई थी, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, उसमें अलग अलग आपको किस प्रकार के हल किस प्रकार के होंगे और संगत का जो समीकरण दिए गए उनके निकाय किस प्रकार के होंगे, संगत होंगे या असंगत होंगे, ये था। तीसरा, दोनों रेखाएं क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी या फिर एक दूसरे के पैरेलल यानी समांतर चलेगी या फिर एक संपाति होगी। अब यहाँ पर अपने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि कोई हल नहीं हो, क्या हो, कोई हल, तो आपका देखो इसका हल ज्ञात करते हो क्या करता, देखो इस प्रकार के तीन क्वेश्चन आपके विविध प्रश्नमाला में और तीनों में अलग अलग बात पूछ ली,
के किस मान के लिए समीकरण युग्म, यहाँ पर समीकरण चेंज कर दिए, का यहाँ पर कोई हल वल हल नहीं वाला क्वेश्चन पूछ लिया, एक में पूछ लिया का अद्वितीय हल होता है तो के का मान ज्ञात कीजिए, के अनंत हल होते तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब तीन क्वेश्चन है, देखो किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास समीकरण क्या है, x प्लस वाई माइनस ए फोर बराबर है जीरो। इसकी तुलना करो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर है जीरो से, ठीक है। तुलना करते हैं तो ए वन का मान वन आता है और बी वन का मान बेटा अपने पास वन आता है और सी वन का मान है माइनस का चार आता है। दूसरा समीकरण आपके पास है 2x प्लस के वाई माइनस के तीन बराबर है जीरो। इसकी तुलना करो ए टू एक्स प्लस ए बी टू वाई प्लस ए सी टू बराबर है जीरो से। तो यहाँ से ए टू का मान क्या आता है टू और बी टू का मान के और सी टू का मान है माइनस का तीन, ठीक है। अब आपको प्रतिबंध निकालने हैं, यहां पर क्या नाम दिया, कौन सा प्रतिबंध पूछा इसने, कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध, कौन सा प्रतिबंध है, कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध सेकंड है। सेकंड में क्या दिया है, ए वन बट्टे ए टू बराबर बी वन बट्टे बी टू नॉट इक्वल है सी वन बट्टे सी टू। ए वन और ए टू के मान रखो एक बट्टे दो बराबर है, बी वन और बी टू के मान रखो क्या है के और वन एक बट्टे के, नॉट इक्वल सी वन सी टू। अब यहाँ पर ये नॉट इक्वल मतलब आगे बराबर नहीं है इसके, तो ये बराबर वाले ये इतने ही है, तो इसमें इसको सोल्व कर दो क्या आएगा, क्रॉस गुणा करना है आपको तो क्या आएगा के बराबर है दो, ये आपका क्या आ गया के का मान आ गया। इस प्रकार से इसको सोल्व करना है। ये बात ध्यान रखनी है इसमें कि कोई हल नहीं पूछा है या फिर अद्वितीय हल है या फिर अनंत हल है, ये बात है इसमें याद रखनी। इसका मतलब क्या है, दोनों रेखाएं क्या होंगी एक दूसरे के समांतर, मतलब इसका जो ग्राफ बनाएंगे ना वो दोनों रेखा जैसे ग्राफ में इस प्रकार से आएंगी, ये ग्राफ है दोनों रेखाएं या तो इस प्रकार से चलेगी या फिर दोनों रेखाएं इस प्रकार से चलेंगी, होगी लेकिन समांतर, क्या होंगी समांतर। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड भी इसी प्रकार का है, इसका सेकेंड क्वेश्चन देखो के किस मान के लिए समीकरण युग्म है। अब यहाँ पर समीकरण चेंज कर दिया, क्या दिया इसने, इसने दे दिया 3x माइनस 2y बराबर है जीरो, और दूसरा दिया है kx प्लस 5y बराबर जीरो, के अनंत हो लेंगे, के अनंत हले होंगे, इसमें अनंत हल पूछ लिया, इसमें कोई हल नहीं, इसमें क्या पूछ लिया अनंत हल। तो देखो इसको किस प्रकार से करोगे, सेकेंड क्वेश्चन पहला समीकरण क्या दिया आपका 3x माइनस 2y बराबर जीरो, ठीक है। पहले यहां पर देखो इसमें c का मान कुछ भी नहीं है, तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हो 3x माइनस 2y प्लस जीरो बराबर जीरो कर सकते हो, जीरो जोड़ने से कोई फर्क थोड़ी पड़े, ठीक है। तो इसकी तुलना करो a1 है x प्लस a बी वन वाई प्लस ए सी वन बराबर जीरो से। ए वन बराबर कितना आया तीन और b1 बराबर क्या आया माइनस का दो और c1 बराबर क्या आया बेटा जीरो, ठीक है। दूसरा समीकरण अपने पास है kx प्लस 5y बराबर है जीरो, तो इसको क्या लिखोगे kx प्लस 5y प्लस जीरो बराबर है जीरो। इसकी तुलना करो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर है जीरो से, तो क्या आया कि ए टू का मान क्या है के, बी टू का मान क्या है पांच और सी टू का मान क्या बेटा जीरो।
अब यहाँ पर इसने पूछा क्या है, अनंत तल होंगे, क्या पूछा है, अनंत तल। तो अनंत तल की क्या कंडीशन है, तो यहाँ पर लिखोगे अनंत हल होने का प्रतिबंध। क्या होता है अनंत हल वाला प्रतिबंध कौन सा है, ए वन बट्टे ए टू बराबर बी वन बट्टे बी टू बराबर सी वन बट्टे सी टू। मान रख दो बेटा ए वन ए टू, ए वन का मान तीन बट्टे ए टू का मान क्या है के, बराबर बी वन का मान माइनस का दो और बी टू का मान पाँच बराबर है जीरो बट्टा जीरो। ठीक है, अब इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, जीरो बटा जीरो आ गया, तो केवल इसको क्या करना है आपको सोल्व करना है। क्रॉस गुणा किया इसको, क्या आया, ये आगे माइनस का दो के बराबर है पंद्रह और के बराबर कितना आ गया माइनस का पंद्रह बट्टा दो। ये क्या आ गया अनंत हल वाले कंडीशन के अंदर के का मान आ गया। तो ये आपका था सेकेंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार से दिया है आपका, के किस मान के लिए समीकरण युग्म के निकाय, यहाँ पर समीकरण चेंज कर दिया उसने, क्या दे दिया के एक्स माइनस वाई बराबर दो बराबर दो, और दूसरा दिया है छः एक्स माइनस दो वाई बराबर तीन बराबर तीन। के अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो इसमें देखो अद्वितीय हल वाला भी करते हैं, इन तीनों प्रतिबंधों पर आधारित ही बेटा तीनों क्वेश्चन पूछे गए। थर्ड क्वेश्चन देखो, तीसरे का हल क्या अपने पास है, पहला समीकरण है के एक्स माइनस वाई बराबर है दो। ठीक है, इसको क्या लिख लिया आपने, के एक्स माइनस का वाई माइनस दो बराबर है जीरो। अब इसकी तुलना किससे करो है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर है जीरो से। तो ए वन का मान क्या आया के, और b1 का मान क्या आया माइनस का वन, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब क्या है माइनस का वन, और बेटा c2 का मान क्या है माइनस का दो। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण आपका 6x माइनस दो वाई बराबर तीन, तो क्या आएगा 6x माइनस का दो वाई माइनस का तीन बराबर है जीरो। अब इसकी तुलना किससे करनी है, इसके अलग वाला जो समीकरण है ना आपका सेकेंड, उसमें ए टू एक्स प्लस ए बी टू वाई प्लस ए सी टू बराबर है जीरो से। तो ए टू का मान क्या आया, ए टू का मान आपका छः, बी टू का मान माइनस का दो और सी टू का मान है माइनस का तीन। ये क्या आ गए ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू के मान आ गए। अब आपको इसने क्या पूछा है, ये पूछा है अद्वितीय हल, क्या पूछा है अद्वितीय हल। तो यहां पर लिखोगे अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध क्या आएगा, ए वन बट्टे ए टू बराबर बी वन बट्टे बी टू नॉट इक्वल, इसमें क्या आएगा नॉट इक्वल। तो यहां पर आप देखो इसका मान, ए वन का मान के बट्टे ए टू का मान छः बराबर नहीं है बी वन वन बट्टे बी टू माइनस के दो माइनस के दो। अच्छा ए वन बी वन का मान भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बेटा। और यहां पर देखो के बट्टे छः बराबर नहीं है एक बट्टे दो के,
इसको क्रॉस गुणा किया तो क्या आया 2k बराबर है। अब बराबर तो लगाएं लेकिन साथ में चिन्ह में ये नॉट इक्वल का चिन्ह है तो वो भी लगाना है और बराबर है 6 k नॉट इक्वल 6/2 k नॉट इक्वल 3 ये आपका क्या आएगा k का मान आएगा। तो इसमें ये तीनों क्वेश्चन है, एक तो था कोई हल नहीं, एक अद्वितीय हल और एक दूसरा कौन सा अनंत हल वाले क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बेटा आपने सिलेबस में है नहीं, एसएमईका वाले टॉपिक में से हैं, वो पूछने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 4 5 नहीं करने हैं आपको, क्वेश्चन नंबर है 4 और 5 है, 4 5 तथा आगे और है उसमें, आठ भी है और 9 8 और 9 ये क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको। चलो ठीक है, तो 6ठा 7वां और 10वां क्वेश्चन वो क्वेश्चन करते हैं। देखो किस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों के हलों की संख्या लिखिए। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों के हलों की संख्या लिखिए। ये एक नंबर क्वेश्चन 6 है आपका। पहला समीकरण दिया है x plus 2y minus 8 = 0। दूसरा दिया है 2x + 4y = 16। ये आपके दो समीकरण। अब इसमें देखो पहला समीकरण, इसको सोल्व करेंगे। समीकरण एक में आपका देखो क्या मान दिया है, x + इसको इस प्रकार से लिख सकते हो -k 8 तो देखो साइड में जाएंगे प्लस के हो जाएंगे और -k 2y। ठीक है, अब यहां पर आपको y के मान रखने बेटा, y = 0 रखने पर ठीक है क्या आया x = 8 - 2 × 0 तो x = 8 - 0 = 8। दूसरा y = 1 रख लो रखने पर, उसमें क्या आएगा देखो x = 8 - 2 × 1 x = 8 - 2 x का मान कितना आ गया 6। तीसरा y का मान 2 रखने पर, ठीक है तब इसमें क्या आता है देखो x = 8 - 2 × 2 तो x = 8 - 4। अब आपकी एक टेबल बन गई इसके अंदर x y,
y का मान 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, तो x का मान 8 आया, 6 आया और 4। अब आप सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। सेकंड क्वेश्चन देखो, अगर आप इसकी तुलना भी करोगे ने तो a1 का मान क्या आया 1, बी वन का मान 2 और सी वन का मान माइनस का 8 है बेटा, ठीक है। सेकंड के देखो, सेकंड में क्या दो कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आया x प्लस 2y बराबर 16। अब दो को बट्टे में भेजो, x प्लस 2y बराबर 16 बट्टे x प्लस 2y बराबर 8। ये अब इसको लिखेंगे x प्लस 2y माइनस का 8 बराबर 0। अब समीकरण एक और ये समीकरण दूसरा दोनों सेम है, समीकरण एक बराबर है समीकरण दो, दोनों बराबर है ने, ठीक है। अब बराबर होने का मतलब इसकी भी टेबल में क्या आएगा मान, y x 0 1 2 8 6 4 आएगा सेम इसी प्रकार से, ठीक है। अब बराबर में इसने पूछा हलों की संख्या, अब इसके अंदर भी आप देखोगे तो क्या आएगा A2 का मान भी वही आएगा जो A1 का है 1, B2 का मान भी क्या आएगा 2 और C2 का मान माइनस का 8। यही मान A1 के हैं, B1 के हैं और C1 के। तब बराबर वाली कंडीशन कौन सी होती है, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। तो क्या आएगा 1 बट्टे 1 बराबर 2 बट्टे 2 बराबर माइनस का 8 बट्टे माइनस का 8, माइनस माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, 8 से 8 कट गया, 1 बराबर 1 बराबर 1। तो क्या होंगे अनंत हल होंगे, क्या होंगे अनंत हल, ये कंडीशन क्या अनंत हल वाले और रेखाएं क्या होंगी, दोनों रेखाएं संपाती होंगी, संपाती होगी, दोनों रेखाएं क्या होगी संपाती होगी और युग्म है युग्म संगत होगा, संगत होगा। अब इसका देखो ग्राफ बनाते, ग्राफ के अंदर बेटा ये मूल बिंदु 0 0, ठीक है, ये आपका क्या आ गया एक्स एक्स वाई एक्स माइनस एक्स एक्स और माइनस का वाई एक्स पे माना लिखोगे एक्स एक्स तथा वाई एक्स पर पे माना क्या होगा एक बड़ा खाना बराबर है एक इकाई, मतलब ये गैप है वो दोनों तरफ बराबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है आपको, इसमें निर्देशांक अंकित करने हैं, आपको क्या करने हैं निर्देशांक अंकित, देखो किस प्रकार से करने हैं। सबसे पहले क्या दिया है, दोनों टेबल एक जैसी है, x का मान 8 है तब y का मान है 0, तो x का मान 8 तो इस लाइन पर मिलेगा आपको प्लस वाली, और इस लाइन पर हमेशा y का मान क्या होता है बेटा 0। तो पहला निर्देशांक तो यहाँ पर आ गए, क्या है 8 और 0। दूसरा 1 और 6, x का मान 1 सॉरी y का मान 1 और x का मान है 6, 1 से चलो यहाँ तक आए आप, ये आपका सेकंड मान आ गया जिसमें 6 और 1। तीसरा 2 और 4, ये 2 और ये 4 यहाँ पर आया इसका मान है, ये आ गया 4 और 2। अब यहाँ से आप एक सीधी रेखा के द्वारा इसको मिला दिया,
ये आपका क्या आ गई है कि रेखा का समीकरण है, दोनों रेखाओं के समीकरण समान है तो एक समीकरण लिख दो, ठीक है। अब सेकंड है, ये तो आपने पहले टेबल लिख ली, सेकंड में भी मान यही है आपके, तो वो भी क्या होगी, इसके ऊपर से ही रेखा गुजरेगी इस प्रकार से। ये क्या आ गया आपका, एक संपाति वाला ग्राफ है आ गया, जब दोनों रेखाएं संपाति हो, संपाति मतलब एक दूसरे पर स्थित हो, ठीक है। वह पहले रेखा के समीकरण के वही निर्देशांक जो दूसरी रेखा के समीकरण के निर्देशांक, दोनों के समीकरणों के निर्देशांक के आपस में मिलते हो, तब इसमें तो इसके हलों की संख्या क्या होगी, अनंत हल होंगे, रेखाएं संपाति होगी और युग्म में संगत होगा और ग्राफ आपका इस प्रकार से बनेगा, इसमें ये इसमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 के ग्राफ कॉपी में ही बनाने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि है, 10 भी इम्पोर्टेंट है, 10 जैसा एक एग्जांपल भी है, वो भी करेंगे साथ में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।